9 मार्च को जयपुर स्थित केशव विद्यापीठ जामडोली में राष्ट्रीय सेवा भारती के पंचवर्षीय राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय सेवा संगम के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि संगम में सभी कार्य निविधन पूर्ण हो सके इसके लिए विधिवत भूमि पूजन कर गणेश स्थापना कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे आयोजित किया गया। वो इस खास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विख्यात उद्योगपति और राष्ट्रीय सेवा भारतीय के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान पन्नालाल भंसारी उपस्थित रहे और वहीं उन्होंने अपने शब्दों से कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा संगम का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में एक निर्णयकारी बदलाव लाने में भूमिका निभाने वाले सामाजिक संगठनों को दिशा प्रदान करना है। वहीं भारतीय अध्यक्ष पन्नालाल भंसाली ने अप्रैल में आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम पर विस्तृत जानकारी दी। क्या कुछ कहा सुनिए जरा। राष्ट्रीय सेवा भारती हर 5 साल में एक सेवा संगम का आयोजन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में हमारे साथ जुड़ी मोर देन 1000 से ऊपर की संस्थाएं सम्मिलित है, उन संस्थाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता का वर्धन करना, नई परिस्थितियों के साथ उनको अनुकूलता से ढालना और 3 दिन के उस इंटरेक्शन के अंदर में उन सब की गुणवत्ता खासतौर से बढ़े उसके ऊपर प्रयास होना, समरसता है, उनका सहयोग है, कोई आई हुई नई विपत्ति और कोई नई परिस्थिति है उस परिस्थिति के बारे में सोच के विचार करके आगे क्या काम होना चाहिए, उन सब की चर्चा इन 3 दिनों में होती है। परम पूज्य सर संचालक जी अपने डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का आशीर्वाद हमको 7 अप्रैल को मिलेगा जब इसका हम लोग उद्घाटन सत्र करेंगे। देश के विद्वान, अनेक विद्वान, साधु संत और गणमान्य लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे और मैं आशा करता हूँ कि 5000 से ऊपर कार्यकर्ता जो पूरे देश के अंदर में सेवा के कार्य में लगे हुए हैं यहाँ एकत्रित होकर अपने अपने विषय के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से एक नए अनुभव लेके वापस अपने क्षेत्र में जाके उस काम को बढ़ाने के अंदर में सहयोग करेंगे। 6 तारीख को कार्यक्रम के शुरुआत से 1 दिन पहले एक प्रदर्शनी का हमारे यहाँ आयोजन होता है, उसका उद्घाटन समारोह मनाया जाएगा। उस प्रदर्शनी का भी जो थीम है वो स्वावलंबन भारत, समृद्ध भारत के ऊपर ही बनाया गया है। तो समृद्धि के क्या क्या रास्ते, क्या क्या आयाम हो सकते हैं उसके अंदर में खास तौर से उसको चित्रित किया जाएगा और उनके माध्यम से लोगों के अंदर में एक समृद्ध भारत का स्वावलंबन के माध्यम से कैसे करें उसके बारे में सूचना दी जाएगी, उनको जानकारी दी जाएगी। वैसे बताते कि राष्ट्रीय सेवा भारती की योजना से प्रथम राष्ट्रीय सेवा संगम वर्ष 2010 में बेंगलुरु में आयोजित हुआ था, जबकि राष्ट्रीय सेवा संगम अप्रैल 2015 दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये तीसरा आयोजन मार्च 2020 जयपुर में आयोजित होना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। वैसे देखा जाए इस बार जो अप्रैल में आयोजन होने वाला है ये काफ़ी खास होने वाला है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।